पठानकोट मंडी फोर लेन प्रभावितों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को एलजी नूरपुर से मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत करवाया और एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रभावितों का कहना है कि फोर लेन प्रभावितों को पहले भूमि अधिग्रहण का मुआवजा कम दिया गया और अब इमारतों की कीमत को भी कम आंका जा रहा है। फोर लेन प्रभावित व फोर लेन संघर्ष समिति के महासचिव विजय हीर का कहना है कि पहले जिलाधीश रह चुके संदीप कुमार ने जो इमारतों के लिए मुआवजा तय किया था, अगर उसके अनुरूप लोगों को मुआवजा नहीं मिला तो किसी भी सूरत में फोर लेन का काम नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को 3 अवार्ड जारी किए गए हैं, इसके अतिरिक्त सप्लीमेंट अवार्ड भी जारी किया गया है, लेकिन लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही लोग जमीन के कम मुआवजे के कारण परेशान हैं और अब अगर इमारतों का भी इन्हें कम मुआवजा मिलता है तो ये किसी भी सूरत में फोर लेन का निर्माण नहीं होने देंगे। प्रभावितों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर इन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला तो ये संघर्ष और कड़ा किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और प्रशासन की होगी। हम आज अपनी बिल्डिंग के मतलब जो एसडीएम साहब से मिले हैं, हमने उनके आगे जो रिक्वेस्ट की है कि जो रियाज जो फार्म में तत्कालीन जो जिलाधीश थे हमारे संदीप कुमार जी, उन्होंने रेट हमारी बिल्डिंगों के कोई कहीं 58,000-53,000 रुपया जो तय किया था, हमें वो रेट जो है मिलनी चाहिए। अदरवाइज जो हमें इससे कम रेट दिया जाता है वो भी हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए। यदि हमें वो कम रेट दिया जाता है तो हम जो फोर लेन सड़क है इसको नहीं बनने देंगे। सड़क जब यदि हमारी बिल्डिंगों का रेट जो है कम किए गए तो अभी एक अवार्ड सप्लीमेंट्री अवार्ड किया सुपर सप्लीमेंट्री है, उसकी हमें आज तक फैसिलिटी नहीं मिल रही क्योंकि वो 7 महीने में जो है अवार्ड दिया गया, वो अवार्ड आज तक उस पर साइन नहीं हुए। क्या बात है क्या नहीं है, हम आगे अभी पेटर्स के पास जाने में वंचित हो रहे हैं। और हमें हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 3 अवार्ड इन्होंने किए हैं अलग अलग अवार्ड हैं वो एक अवार्ड होना चाहिए और बेसिक अवार्ड जो लास्ट जो इन्होंने सुपर सप्लीमेंट्री किया है वो होना चाहिए हर महल का। और यदि ऐसा ना हुआ तो जो सड़क जो है वो हम नहीं बनने देंगे। हमें चाहे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है सरकार और प्रशासन की होगी।